इन दिनों सोनी टीवी का सबसे चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति लगातार चर्चा में बना हुआ है और इस शो ने इंदौर को भी कुछ चर्चित कर दिया है। जी हाँ, केबीसी की हॉट सीट पर बैठने के बाद निगम आयुक्त आशीष सिंह ने कहा कि केबीसी की हॉट सीट पर बैठना मेरे और इंदौर के लिए गर्व की बात है। इतने बड़े कार्यक्रम में भाग लेने का मुझे अनुभव नहीं था। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, उन्हें प्रतिभागियों को हैंडल करना अच्छी तरह आता है। आशीष सिंह ने कहा कि मैं कभी भी सेलिब्रिटी के साथ जाने फोटो खिंचाने के लिए लायक नहीं रहता हूं, लेकिन इंदौर की सफाई से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था इसलिए इसमें मैंने जाना उचित समझा। प्रदेश जानना चाहता है कि ये हॉट सीट जो थी वो किस तरह हॉट थी इंदौर नगर निगम के लिए। ये सबों को जानने के लिए आप लोगों को 2 अक्टूबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा और कार्यक्रम देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंदौर के लिए गर्व की बात है कि इंदौर की जनता ने जिस तरीके से सफाई को एक अपना मिशन बनाया है। हालांकि ये कार्यक्रम विंदेश्वर पाठक जी पर आधारित था और वो उसके मेन गेस्ट थे, लेकिन इंदौर में हुए कामों को देखते हुए मुझे भी इसमें आमंत्रित किया गया था और हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला था। और इंदौर से जुड़ी हुई कई सारी चर्चाएं भी वहां पर हुई हैं जो आप लोग 2 तारीख वाले कार्यक्रम में 9 बजे रात में देख पाओगे। ये सर कैसे चयन किया गया आपका? देखिए, इसमें कोई चयन वाली बात नहीं है। मुझे केबीसी की टीम से कॉल आया था और उन्होंने पूछा था कि हम लोग इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करने वाले हैं, इसमें आने के लिए आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। फिर मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके इसमें सहमति बता दी। सर, अमिताभ बच्चन को लेकर क्या अनुभव रहे आपके? यानी कि इतनी बड़ी हस्ती है, उनके सामने आपने बातचीत की, पूरा एपिसोड खेला, क्या अनुभव रहा आपका? यानी कि देखिए, काफ़ी प्रोफेशनल एक्टर हैं और सभी को पता है कि बहुत महानायक हैं वो, और जिस तरीके से चूँकि उनको इतना अनुभव है तो जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको किस तरीके से एक तरीके से सहज बनाया जाए, किस तरीके से स्मूथली कार्यक्रम को रन किया जाए, उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो ये ज़रूर था कि इतने बड़े नेशनल प्रोग्राम में शामिल होना मतलब एक बड़ी चीज़ होती है। मुझे पहले इस चीज़ का अनुभव भी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से केबीसी की पूरी टीम ने, अमिताभ बच्चन जी ने हैंडल किया उस चीज़ को, तो बहुत ही स्मूथली सहज। हमने इस तरह से बैठने का मौका मिलेगा? देखिए, ना तो मेरी ऐसी कोई अभिलाषा रहती है, ना मैं इसके लिए कोई बहुत लालायित रहता हूँ सेलिब्रिटीज़ के साथ में जाने के लिए, उनके साथ बैठने या फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इंदौर के काम के लिए और स्वच्छ भारत मिशन के लिए और सफाई केंद्रित चूँकि प्रोग्राम था, इसके लिए आमंत्रित किया गया था, इसीलिए मैंने उसमें जाना उचित था। सर, गौतम गंभीर के मसले से कितना गंभीर हुआ ये मामला, और जो अपना यहाँ का कचरा है जिसका रिटर्न आपने किया है, कितना गंभीर दिखाई पड़ा वहाँ पर, अगर देश की बात करें? देखिए, वो निश्चित रूप से स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मिशन बन चुका है, और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जो लोकल सरकारें हैं वो हों, इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं और इस दिशा में प्रयास भी कर रही हैं। इंदौर के एग्जाम्पल से सभी लोगों को एक संबल मिलता है कि वहाँ भी ये करना पॉसिबल होगा। ये कार्यक्रम करने के बाद में मुझे मैसेज मिला है, मुंबई की जो मेयर हैं, मुंबई के मेयर हैं, वो यहाँ की टीम को बुलाना चाह रहे हैं कि बॉम्बे में किस तरीके से इस चीज़ को रिप्लीकेट किया जा सकता है, पूरे स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम को वो वहाँ पे बुला रहे हैं। तो दिखाता है कि सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है, और अच्छी बात है कि लोग इस दिशा में सोच रहे हैं, बहुत जल्दी ही भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा स्वच्छ देशों में शामिल हो जाए। गौरतलब है कि सफाई को लेकर इंदौर में प्रशासनिक महकमा काफ़ी सतर्क रहता है, और इसी के चलते कौन बनेगा करोड़पति में आशीष सिंह का जाना हुआ, और वो सफाई से जुड़े हुए कार्यक्रम के लिए कौन बनेगा करोड़पति में केबीसी की हॉट सीट पर बैठे। और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है और मेरे लिए और इंदौर के लिए ये गौरव की बात है कि मैं केबीसी की हॉट सीट पर बैठा हूँ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।